विधानसभा एक में कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला जोश खरोश के साथ अपने जनसंपर्क में लगे हुए हैं। वहीं वे क्षेत्र के जातिगत समीकरणों को भी साध रहे हैं। क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं जैसे पानी और अवैध कॉलोनियों में सुविधाओं को देने का भी वादा संजय लोगों से कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक भाजपा के पास लंबे समय से कब्जे में रही है। यहाँ पर कांग्रेस की आपसी खींचतान का फायदा भाजपा को मिलता है। इस बार भी ऐन वक्त पर कांग्रेस प्रत्याशी का टिकट बदलकर वर्तमान प्रत्याशी संजय शुक्ला के खाते में आया, लेकिन शुरुआती विरोधा भास के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आपसी एकता दिखाई, जिससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। संजय शुक्ला भी अपने द्वारा जनता से लगातार संपर्क कर उम्मीद लगा रहे हैं कि उनको जनता का आशीर्वाद मतों के रूप में जरूर मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी की समस्या बनी हुई, टंकी से नर्मदा से पानी नहीं आता, अवैध है। इसको मैंने कई बार मैंने कई बार अपने प्रयास कर रहा हूँ कि कॉलोनी मेरी वैध हो जाए, मगर वो अभी तक क्या हो नहीं पा रही है। पूरा 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 मेरा वार्ड पूरे समुदाय के लोग कांग्रेस को वोट देंगे और उस कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएंगे और उसके फिर हमारे पूरे संपूर्ण काम होंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में मुस्लिम ब्राह्मण और यादव वोटों के समीकरण को भी बहुत गंभीरता से ले रही है। संजय का मानना है कि क्षेत्र में लंबे समय से विधायक रहे भाजपा के प्रत्याशी से जनता की नाराजगी का फायदा भी उनको मिलेगा। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला इस बार क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की मूलभूत समस्याओं के साथ जनता को पानी के लिए ट्यूबवेल खुदवाने के वादों के साथ भी मैदान में जुटे हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक में है जो शहर की सबसे चर्चित विधानसभा बनी हुई है और यहाँ पर साथ कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला है। संजय जी 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 आज चंदन नगर में मेरा दौरा लगातार सभी माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद है। क्यों इस क्षेत्र में जो विधायक है उन्होंने 15 साल में इधर भी कुछ नहीं किया, उधर भी कहीं कुछ नहीं किया, उन्होंने विकास किया है तो अपना खुद का विकास किया है, इसके अलावा क्षेत्र का विकास किया ना, शहर के लिए कुछ किया उन्होंने। सबसे ज्यादा मांग क्या है, क्या उनको दिक्कत है? पानी की हाकार मचा हुआ, पानी कहीं नहीं है, अवैध कॉलोनियां जो कॉलोनी अवैध नहीं हुई है ये सबसे मेन मुद्दा है और ड्रेनेज सड़क भी बनी है, यहाँ पे मेन मुद्दा है। यादव ब्राह्मण समाज के वोट भी बहुत मायने रखते हैं चुनाव में और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की ओर झुकाव रखते हैं, कैसा लग रहा है? देखिए हर आदमी का झुकाव कोई समाज, सब लोग हमारे साथ कांग्रेस के साथ, इसलिए कांग्रेस ने हमेशा काम किया, उसने सबको साथ में ले चली। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर हाहाकार मचाया हुआ, 15 साल सरकार है, उसके बाद में कोई काम कर रहा ना, युवा काम किसी काम कर रहा है। प्रत्याशी के वादों के बारे में क्या बोलेंगे? उन्होंने जो काम किया वो बहुत सारे काम गिनाते हैं। आप देखिए मैंने प्रेस बोला कि वो अपने 10 साल के 10 कोई काम गिना दे, उनने एक काम नहीं गिना पाए तो अब क्या आगे काम करो? उनको जवाब तो जनता देगी, जनता ही भगवान है। 28 तारीख को जिसको वोट देना होगा भगवान है, जिसको आशीर्वाद देगी वही देगी आशीर्वाद।